लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, चार डाकू हलाक, असलाह बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे। कराची की कस्बा कॉलोनी में सीटीडी का सर्च ऑपरेशन, कत्लो इकदाम कत्ल में मतलूब मुलजिम इमरान उर्फ मामा गिरफ्तार, जेर जमीन छुपाया गया असलाह बरामद। गार्डन में पुलिस की कार्रवाई, तीन टारगेट किलर्स गिरफ्तार। कई शहरों में फिर गरज चमक के साथ बारिश, लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी भटिया, फालिया और ननकाना साहब में बादल खुलकर बरसे, डेरा इस्माइल खान में झालाबारी, कराची में भी बूंदाबांदी। पीपल्स पार्टी आज फतेह जंग में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी, पिंडाल की तैयारी, बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ का कारोबार 10 अरब डॉलर्स का है, एफआईए पता लगाए, उम्मीद है मियां साहब को अब एनआरओ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला, फैसले की आड़ में अदलिया की तौहीन, कहते हैं पानामा पेपर्स में मेरा नाम नहीं था, बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने पर घर भेज दिया गया, मकसद सियासी बहरान पैदा करना था, गलत अंदाज में किया गया फैसला, वापस दिया जाए। नवाज शरीफ मासूम चेहरा बनाकर पूछते हैं उन्हें क्यों निकाला गया, कप्तान ने साबिक वजीर आजम के सवाल का जवाब दे दिया, कहते हैं मियां साहब आपने अदालत में झूठ बोला, जाली दस्तावेजात पेश की। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज अहम दौरे पर कराची जाएंगे, बलदियाती नुमाइंदों ने इस्तकबाल के दौरान एहतजाज का फैसला कर लिया। ब्रसल्स में नौजवान का गश्त पर मामूर फौजियों पर हमला, जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। लंदन में बकिंगम पैलेस के सामने एक शख्स का पुलिस पर तेज धार आले से हमला, दो अहलकार जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। और समुद्री तूफान अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिल से टकरा गया, हजारों अफराद की नकल मकानी, गवर्नर टेक्सास का कहना है तूफान बड़ी तबाही का बायस बन सकता है।